इस लवकुश की रामलीला में सुग्रीव के पात्र के बारे में अगर जहाँ तक मैं जानता हूँ और आप लोग जानते हैं, तो सुग्रीव एक मित्रता का संदेश लेकर आए हैं। और ये ऐसी मित्रता है जो एक संदेश देती है कि ये सदियों से ऐसी मित्रता बनी रहे, ये प्रेम बना रहे एक दूसरे के लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले जैसे मित्रता कायम करें, किसी से अगर आप मित्रता करते हो तो उसके लिए अपनी जान तो नहीं लेकिन उसके लिए ऑनेस्ट रहो। तो हम लोग सालों से, काफ़ी सालों की तपस्या है, देख सकते हैं आप हमारे शब्दों में कितना क्लियरिटी है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। लवकुश रामलीला कमेटी में रामलीला मंचन 50 साल से हो रहा है, लेकिन हर साल कुछ नया होता है, कुछ खास होता है। चाहे अगर इनकी खासियत की बात की जाए तो चाहे वो बम्बई से आए हुए कलाकार हो या फिर इनका भव्य मंच हो, खासियत अपने आप में बहुत ज़्यादा है, गिनाने चले तो वो अनेकों हो जाएंगे। लेकिन एक एक करके जिस तरीके से हम आपको एक एक कलाकार से मिलवा रहे हैं, आज जिनका नंबर है वो है सुग्रीव जी। शरद गोरे जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सुग्रीव का जो किरदार है उसकी क्या अहमियत है और रामलीला में कैसे वो जुड़ा हुआ है और जो भी इनसे जुड़ी हुई चीज़ें होंगी उन पर बात करते हैं। नमस्कार, सबसे पहले दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार करना चाहूँगा। और इस लवकुश की रामलीला में सुग्रीव के पात्र के बारे में अगर जहाँ तक मैं जानता हूँ और आप लोग जानते हैं, तो सुग्रीव एक मित्रता का संदेश लेकर आए हैं। जैसे कि हम इस कलयुग में तो खैर अभी वो मित्रता रही नहीं, आपसी मतभेद काफ़ी हो गए, परिवार समझो या अपने दोस्ती यारी में, वो सब चीज़ें पहले इसे देखने को मिलती नहीं है। लेकिन इस लवकुश की रामलीला में आपको प्रभु श्री राम जी और सुग्रीव जी की जो मित्रता दिखा, घनिष्ठ मित्रता, वो आज आपको इस मंच पर देखने को मिलेगी। और ये ऐसी मित्रता है जो एक संदेश देती है कि ये सदियों से ऐसी मित्रता बनी रहे, ये प्रेम बना रहे एक दूसरे के लिए, अपनी जान तक न्योछावर कर सके, जो कि आज हमें देखने को मिलती नहीं है। तो मैं दर्शकों को इस माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस लवकुश की रामलीला में आए और इस रामलीला का आनंद उठाए। जैसा आप कह रहे हैं कि आज के वक्त में जो घनिष्ठ मित्रता है वो नहीं देखी जाती है कलयुग के दौर में, लेकिन क्योंकि रामलीला की अहमियत जो महत्ता है वो और नहीं बढ़ जाती है, क्योंकि उस रामलीला के थ्रू हम दिखाते हैं कि मित्रता जो है इस तरीके से होनी चाहिए। ज़रूर होनी चाहिए। देखिए ना, अभी पहले एक मित्र दूसरे मित्र के लिए अपनी जान तक दे देता था, उसके ऊपर कुछ आपत्ति आई या कुछ ऐसा उसके साथ घटा हो तो वो उसके लिए आधी रात को दौड़ भाग के आ जाता था और उसकी मदद करता था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले जैसे मित्रता कायम करें, किसी से अगर आप मित्रता करते हो तो उसके लिए अपनी जान तो नहीं लेकिन उसके लिए ऑनेस्ट रहो, हाँ ईमानदारी रहो। केवल पैसों से ही दोस्ती नहीं की जाती, क्या भरोसा कल जाके उसके साथ कुछ ऐसा घटे कि उसको शायद आपकी ज़रूरत महसूस हो और उस वक्त अगर आप उसका साथ ना दे सके तो वो मित्रता कोई काम की नहीं। और सर, किरदार की जब तैयारी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो जो डायलॉग्स होते हैं जी, उसको आप लोग कैसे याद करते हो, कितना समय लगता है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े मोनोलॉग्स आप लोगों के लिए लिखे जाते हैं। जी हाँ, याद तो करना होता है, लेकिन आपकी शब्दों पर अच्छी कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी माइथोलॉजी या इस तरीके का सीरियल हो या इस तरह की रामायण हो, तो आपको अगर शब्दों पे कमांड नहीं है, शब्दों का उच्चारण सही तरीके से आप नहीं दे सकते हो, तो वो नज़र आएगा। तो हम लोग सालों से, काफ़ी सालों की तपस्या है, देख सकते हैं आप हमारे शब्दों में कितना क्लियरिटी है। हाँ, काफ़ी हो गया है, लेकिन फिर भी आपको शब्दों का उच्चारण तो करना आना चाहिए, अच्छे संस्कृत शब्द ज्यादा होते हैं। एक और सवाल है कि जब पहली बार आपने रामलीला में काम किया था और जब जो शुद्ध हिंदी होती है उससे पहली बार जब वो उच्चारण जब कर रहे थे, तो उस समय का एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, वो मेरे लिए फर्स्ट था, लेकिन मैंने काफ़ी माइथोलॉजी सीरियल्स किए हैं, इसके पहले मैंने रामायण में अंगद किया है, हनुमान किया है संकट मोचन में,
और बहुत से सीरियल्स हैं मेरे, महादेव, देवों के देव महादेव में वरुण देव बना हूँ, द्वारकाधीश में समरासुर बना हूँ, श्रीमद् भागवत में कुंभकर्ण बना हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मैं ऐसा किरदार, ऐसे कई किरदार किए हैं मैंने, वो फिर राक्षस के हो या फिर देव के हो, तो है प्रैक्टिस है थोड़ी, उसका हमें काफ़ी हेल्प मिली है, मदद मिली है ये समझो, क्योंकि वो स्क्रिप्ट हम लोग पढ़ते थे उन शब्दों को बार बार रीडिंग कर करके दिमाग में वो शब्दों को, मतलब इजीली, अच्छा वो शब्द है, ऐसा शब्द है तो ठीक है, तो सुना सा लगता होगा। हाँ पहले एकदम फर्स्ट टाइम थोड़ा ऐसा लगता था यार ये क्या है, कर्मठता क्या है, ये उच्चारण करने में बहुत से ऐसे विपत्ति, विनंती, विनती, अलग अलग बहुत से चीज़ें हैं जो समझ नहीं आते थे, और सेंटेंस लंबा चौड़ा होने की वजह से अगर थोड़ा सा भी आप मिस्टेक कर जाते तो पूरा वाक्य ही बदल जाता था, तो इन सब चीज़ों की ये छोटी छोटी बारकाई है। किसी से मदद ली उस समय? मदद हमारे डायरेक्टर राइटर्स होते हैं, क्रिएटिव्स होते हैं, वो आपको बताते हैं अगर कुछ भी ऐसा मिस्टेक होता है तो सर इस शब्द को थोड़ा ऐसा बोलेंगे, वो रिटेक भी होता है ना टीवी में, लेकिन यहाँ नहीं होते, यहाँ जो बोल दिया कभी कभी फंबल हो जाता है, कभी कुछ, तो ऑडियंस समझदार है, समझ जाती है, ऐसा नहीं है कि हम पूरे तरह से परफेक्ट है, देखिए गलती हर इंसान से होती है, तो शब्द और आपकी जीभ, टंग और दिमाग, ये तीनों चारों चीज़ें एक साथ, हाँ, और फिर बॉडी लैंग्वेज है, फिर एक्टिंग है, और कहाँ पॉज देना, ये तो बहुत सी चीज़ें अगर छोटी छोटी बारीकी को देखो बहुत है। एक चीज़ जो आप जो दर्शकों को कहना चाहें रामलीला के बारे में, या खास तौर पे लव कुश रामलीला के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अपने सभी मित्र, सभी परिवार के सदस्य के साथ इस लव कुश की रामलीला को देखने आए, ये लाल किला में होती है दिल्ली में, और रामायण ही देखे, महाभारत ना देखे, क्योंकि महाभारत में लड़ाई ज़्यादा है, लेकिन रामायण में आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरण को, उसको ग्रहण करें, और ये बहुत कुछ सीख आपको भविष्य में मिलेगी इससे। धन्यवाद। तो ये थी पूरी बातचीत, जो किरदार सुग्रीव हैं उनसे हमने आपको मिलवाया, और उन्होंने बताया कि आखिर सुग्रीव का किरदार जो है क्यों है खास, आखिर जो घनिष्ठ मित्रता है उस चीज़ को लेकर आज भी कलयुग में जिसकी ज़्यादा ज़रूरत भी है उस चीज़ को वो किरदार दर्शाता है। तो जो अहम जानकारियाँ होती है किरदारों के बारे में वो तो उन्होंने बता दी, और भी किरदारों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और मिलवाते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।